हेलो हेलो, नमस्ते। कैन यू सी मी? नो, आई कांट सी यू। आपका जो कैमरा दूसरी साइड में है। हाँ जी, नाउ आई कैन सी यू। नमस्ते जी, कहाँ से बोल रही हैं? आई एम फ्रॉम गुजरात, गुजरात से। अच्छा, पीछे कैसा गांधीनगर। हाल या है? सर, आपकी डायट मैंने फॉलो की। आई एम गोइंग टू जिम एज वेल। आई स्टार्टेड जिमिंग, और मैं सिर्फ फिश ऑयल नहीं लेती हूँ बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, तो फ्लैक्सीड जो ऐसे होती है वो ले लेती हूँ। बट सर, आई हैव वन क्वेश्चन कि पहले जब मैंने आपकी डाइट, जैसे फ्रूट्स, मैंगोज अभी सीजन में मिल रहे थे और वो सब, मैं एक मैंगो से एटलीस्ट, इट वाज लाइक वेरी वाउ स्किन हो गई थी। ऐसा लगता था कि ओ माय गॉड, कभी पिगमेंटेशन हुए ही नहीं थे, ये डार्क सर्कल्स भी चले गए सारे, एकदम आपकी जैसी स्किन हो गई थी मेरी। बस मुझे देख के ऐसा हो रहा था, सब जिम में भी बोल रहे थे व्हाट हैपेंड टू योर स्किन, इतनी जल्दी, मतलब इतना अच्छा। बिकॉज व्हेन अभी ठंडियों में, सर्दियों में फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छे मिल रहे थे, मैंगोज बहुत अच्छे मिल रहे थे। नाउ मानसून शुरू हो गए, सैलेड वगैरह थोड़ा कम हो गया, फिर अगेन फिर से आ गए। अभी तो ऐसा हो गया कि सर क्या क्या हो गया, एंड देन मेरी ऑफिस भी शुरू हो गई, तो थोड़ा धूप में जाना हुआ, तो ऐसे कमिंग एंड गोइंग, इट्स नॉट कंटिन्यूअसली गिविंग मी एन इफेक्ट, इट हैज गॉन। मैं आपकी डायट मैंने ली, मैंने कोई क्रीम अप्लाई, जस्ट सनस्क्रीन अप्लाई की थी, एंड इट वॉज लाइक गॉन। मैंने जो आपकी डायट फॉलो की, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भरपूर खाए, 250 ग्राम जितना सैलेड सुबह शाम, फ्रूट्स भी मैंने ब्रेकफास्ट में लाइक स्मूदी और सारे फ्रूट्स, लाइक सीजनल फ्रूट्स, दो तीन फ्रूट्स इकट्ठे करके खाती थी, ऑल ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल सीड्स एंड एवरीथिंग। प्रोटीन पाउडर भी नहीं लिया, सिर्फ फ्रूट्स और सैलेड से ही चला गया था मेरा पिगमेंटेशन। बट सर ऐसा होता है, ये अनइवन रहता है, मीन ऑल सीजन सेम नहीं रहता है। जैसे अभी फिर से बहुत बुरा हाल हो गया। कितने साल हो गया इसको, कितना वक्त हो गया पिगमेंटेशन को? काफी टाइम हो गया, 6-7 साल हो गए सर, बिकॉज मेरा थोड़ा हार्मोनल डिसबैलेंस का इशू था, सर्जरी कराई थी मैंने, फाइब्रॉइड्स वगैरह का इशू था, तो उस टाइम में तो ठीक था सर, डॉक्टर्स मल्टीविटामिन वगैरह देते हैं तो ठीक हुआ था। बट देन सडनली जैसे वो फिर से, जब हार्मोनल डिसबैलेंस का इशू हुआ, तो फिर से पिगमेंटेशन आने लगे, थोड़ा बहुत लाइट था, धीरे धीरे स्प्रेड हो गया। बीच में चला गया था सर आपकी डायट फॉलो, अभी भी करती हूँ, पर समटाइम्स आई डोंट गेट गुड सैलड्स अभी सीजनल वाइज, तो आता चलता रहता है सर, ऐसा क्यों? अच्छा, फिर मैं फिर परेशान हो गई। देखो आपको ना, जैसे आपने बताया आपको हार्मोनल प्रॉब्लम भी था, तो बेस्ट है आपके लिए आप जिम ज्वाइन करो, क्योंकि जितनी जल्दी आप जिम पे जाते हो। कितना टाइम हो गया जिम जाते हो? जिम मेरा 2-3 महीना हो गया जाते, पहले नहीं जाती थी, जब लॉकडाउन था जिम वगैरह शुरू नहीं थे, मैं घर पे वर्कआउट करती थी, मैं जिमिंग पहले भी किया हुआ है, तो आई नो ऑल दी एक्सरसाइजेस, वेट ट्रेनिंग वगैरह ही करती हूँ मैं। ठीक है, हाँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप करो, और आपना एक वे प्रोटीन भी याद से ले लो, ठीक है? आपका जितना भी इश्यूज है ना बॉडी में, सारा बैलेंस होने लगेगा, क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, प्लस डाइट में प्रोटीन भी आप साथ में ले लो, ठीक है? फ्रूट सैलड तो आप है ही, लिक्विड डाइट को इंक्रीज करो, कोकोनट वाटर आप थोड़ा इंक्रीज करो, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लो मुट्ठी भर आप डेली बेसिस पे, 2 चम्मच आपने सीड्स लेने हैं, पीनट्स बटर सिनेमन पाउडर थोड़ा थोड़ा लेके, ये ओवरऑल बैलेंस डाइट पे आप फोकस करो, क्योंकि प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। मेन रीजन जो होता है ना पिगमेंटेशन का, नंबर वन रीजन वो आपके प्रोटीन की कमी होती है बॉडी में, तो उसकी वजह से वो आपका पिगमेंट बनने लग जाता है। मेरा ना सर यहाँ पे शुरू होता है, लाइक फ्रॉम आईज इट स्प्रेड्स, वो मेलाज्मा ऐसे करके बन जाता है, तो बटरफ्लाई का वो रूप ले जाता है, ठीक है? तो आप याद से प्रोटीन भी ले लो, और अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी करो, अब पसीना निकलना चाहिए अच्छे से आपका। पसीना सर मतलब ऐसा, पसीना तो ऐसा होता है कि जैसे मतलब जिम में मेरी फ्रेंड बोलती है कि तू ना रही है क्या, मतलब लाइक इतना पसीना, आई स्वेट लाइक एनीथिंग, 2 आवर्स जिमिंग करती हूँ सर। बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना, प्रॉब्लम्स होते हैं, पसीने के रूप से बाहर आ जाती है, तो पसीना बहाना बहुत जरूरी है। 99% जो फीमेल्स है वो कहती है कि हमें पसीना नहीं आता, हम क्या करें, तो आप बता दो उनको कैसे पसीना लेके आना। बहुत पसीना आता है, वर्कआउट करो, जम के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, 5-10 पुशअप करो, नहा जाओगे तुम। हाँ, बस ये आप सही ट्रैक पे जा रही है, और आई एम श्योर, देखो इनकी ना लेयर्स होती है पिगमेंटेशन की, ये लेयर्स बाय लेयर्स ये ठीक होते हैं, किसी का अंदर से शुरू होता है ठीक होना, किसी का बाहर से ठीक होना शुरू हो जाता है, तो आई एम श्योर आपका भी ठीक हो जाएगा, बिकॉज यू आर डूइंग द राइट थिंग्स। सर मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन था, आप कुछ इंटेक्स भी लेना बोलो, माइफ्लिक्स का आपने बीच में वीडियो डाला था, माइफ्लिक्स की जो टैबलेट्स वगैरह थे उसके टाइम, वो सही है क्या सर? बोले हाँ, देखो जैसे विटामिन सी की आती है वो भी अच्छा है, फिर उसका क्या कहते हैं कर्कमिन आता है, जो हल्दी का जो आता है वो भी अच्छा है, फिर ज्ञानो विदा करके,
हल्दी की टेबलेट्स मिल रही है ज्ञानोवेदा, अभी आई थिंक इंस्टा पे बहुत चल रहा है, तो शैल आई टेक दैट? व्हाई नॉट, अच्छा एक्चुअली क्या होता है, देखो हम लोग हल्दी अपने फूड में डालते हैं स्वाद के लिए या कलर के लिए डालते हैं, आइडियल लग रही है अगर आप एक चम्मच हल्दी डेली बेसिस पे खा रही है ना, तो फिर आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आप सुबह गर्म पहाल के गुनगुने पानी में एक चम्मच हल्दी डाल लो, साथ में एक चम्मच हनी डाल लो, तो बात वहीं आ गई। अब ये इसको आप सप्लीमेंट से ले लो या आप घर में हल्दी है उससे ले लो, तो बात एक ही है। मैं सोच रही थी सर मैंने आपको पूछू जो वो टैबलेट्स लू के नहीं, इसलिए मैंने ऐड हुई आपसे। देखो नाइस टॉकिंग टू यू सर। सेम ही है बस, देखो सुपर ग्रीन वे प्रोटीन ओमेगा 3, इसके अलावा कुछ लेना है तो लेने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन अगर लेना है तो उसका कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है जी, ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग लाइव। चलिए अब किसी और से बात करते फटाफट। कल्पना जी आ जाओ।